जब आप इस वेब सीरीज को देखोगे तो हो सकता है कि कहीं कहीं पर बीच बीच में आपको सावधान इंडिया की याद जरूर आ ही जाएगी। तो दोस्तों आप सबका स्वागत है, आज हम रिव्यू करेंगे होइचुई ओरिजिनल वेब सीरीज द स्टोनमैन मर्डर्स। ये 2019 की थ्रिलर ड्रामा वेब सीरीज है, डायरेक्टेड बाय इजाज सैयद रफीक। तो यहाँ पर ये जो वेब सीरीज है इसमें टोटल 9 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड लगभग लगभग 20 मिनट का है, यानी कि अगर कुल मिलाकर इस वेब सीरीज की लेंथ की बात करें तो वो है लगभग लगभग 2 घंटा 40 मिनट की। तो ऐसे में क्या ये वेब सीरीज इतनी कुछ दमदार कुछ बढ़िया है कि जिस वजह से आप इस वेब सीरीज को देखो या फिर इस वेब सीरीज को आप मत देखो। तो यहाँ पर इस वेब सीरीज की जो कहानी है वो है स्टोनमैन की। अब ये जो स्टोनमैन है वो एक सीरियल किलर है और इसका नाम स्टोनमैन इसलिए पड़ा क्योंकि ये किसी को मारने के लिए चाकू बंदूक इन सब का इस्तेमाल नहीं करता है, अगर इस्तेमाल करता है तो वो है पत्थर। किसी को मारने के लिए ये पत्थर का यूज़ करता है। तो यहाँ पर हमें इसी की कहानी दिखाई गई है, जहाँ पर जो ये स्टोनमैन का कैरेक्टर है, ये आखिर स्टोनमैन बना कैसे, क्या हुआ था उसके साथ, कैसी घटनाएं हुई थी जिस वजह से वो उसने गलत राह पकड़ लिया या फिर कुछ अलग ही रास्ता उसने अपना लिया, और ये जिन लोगों को मार रहा है क्या ये इनोसेंट थे या फिर इन्होंने भी कुछ गलतियाँ की थी जिस वजह से ये उनको सजा दे रहा था, क्या ये हीरो था या फिर ये विलन था। तो यही सारी चीज़ें हमको इस पूरी वेब सीरीज के दौरान देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर ये जो वेब सीरीज है यहाँ पर मिस्ट्री जैसा तो कुछ भी नहीं है क्योंकि हमको शुरू में ही बता दिया जाता है कि भाई कल्प्रिट कौन है। तो ऐसे में इस तरीके की जो वेब सीरीज या फिर मूवीज वगैरह होती हैं वहां पर देखना होता है ये कि ये कल्प्रिट जो है वो किस तरीके से घटनाओं को अंजाम देगा, क्या क्या सारी चीजें करेगा, वही इंटरेस्टिंग पार्ट होता है इस तरीके की मूवीज या फिर वेब सीरीज में, जो कि हमको यहाँ पर भी देखने को मिलता है कि भाई वो जो कल्प्रिट है या फिर जो स्टोनमैन है वो किस तरीके से घटनाओं को अंजाम देता है, किस तरीके से मर्डर्स करता है, वही हमको यहाँ पर इस वेब सीरीज में देखने को मिलता है। और यहाँ पर ये जो स्टोनमैन है आखिर वो इन घटनाओं को अंजाम क्यों दे रहा था, इसके पीछे की वजह क्या है, सच्चाई क्या है, क्या हम उसको हीरो माने या फिर विलन माने, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया। तो इसका जो सच्चाई है, ये जो रहस्य है, इसका पर्दा तो इस वेब सीरीज को जब आप देख लोगे उसके बाद ही इस रहस्य से पर्दा उठ पाएगा। तो इन सबको जानने के लिए तो आपको ये वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। और बाकी स्टोनमैन और जो स्नेहा का कैरेक्टर है जो कि राइटर है, इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है, क्या लिंक है, इनके बारे में भी आपको जानकारी, और आखिर वो जो बुक है जो स्टोनमैन ने लिखी है आखिर वो स्नेहा को ही क्यों मिलती है, आखिर इसके पीछे का भी राज क्या है, क्या वजह है, इन सबको जानने के लिए भी आपको ये वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। मतलब ज्यादातर आपको जो डिटेल्स है वो आपको वहीं पर मिलेगी, मैं यहाँ पर आपको कुछ भी बताने वाला हूँ नहीं। तो यहाँ पर ये जो वेब सीरीज है मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अलग या फिर बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही ज़्यादा कुछ खास है, कुछ अलग, कुछ बढ़िया है, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि जिन लोगों को सीरियल किलर वाली फिल्में या फिर इस तरीके की जो मिस्ट्री थ्रिलर सस्पेंस वाली फिल्में देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, जिनमें मर्डर्स हमको दिखाए जाते हैं, किस तरीके से एक कैरेक्टर होता है जो मर्डर्स करते जाता है, उसके पीछे के क्या रहस्य होते हैं, राज होते हैं, तो इस तरीके के कई सारे मूवीज़ आपने ऑलरेडी देखे हुए होंगे। जैसे अभी हाल ही में रमन राघव 2.0 फिल्म भी आई है कुछ, जो कि कुछ इसी तरीके की फिल्म थी। तो इस तरीके की कई सारी फिल्में आपने ऑलरेडी देखी हुई होंगी या फिर आपको मिल जाएगी। तो ऐसे में ये फिल्म हमको कुछ बहुत ज़्यादा अलग या फिर बहुत ज़्यादा नया तो ऑफर नहीं करती है, लेकिन अगर एक तरीके से देखें तो ये एक बढ़िया वेब सीरीज है। जिन लोगों को इस तरीके की सीरियल किलर वाली फिल्में देखना पसंद है या फिर वेब सीरीज देखना पसंद है, तो मुझे लगता है ये जो वेब सीरीज है उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। भले इस वेब सीरीज की कहानी उतनी ज़्यादा आपको दमदार, उतनी ज़्यादा कुछ खास, बढ़िया, ज़बरदस्त ना लगे, लेकिन ये एक जो कहानी है, ये जो वेब सीरीज है वो आपका इंटरेस्ट बनाए रखेगी, आपको थोड़ा भी बोर होने नहीं देगी। और जिस तरीके से ये वेब सीरीज आगे बढ़ती जाती है, जिस तरीके से हमको वो मर्डर्स दिखाए जाते हैं, उस वजह से कभी भी आपका इंटरेस्ट घटेगा ही नहीं, आपका एक्साइटमेंट बना रहेगा। जिस तरीके से उन कैरेक्टर्स की जिनकी हत्या होती है उनकी कहानी हमको पहले दिखाई जाती है कि भाई वो क्या करते हैं, किस वजह से करते हैं, और वो जो स्टोनमैन का कैरेक्टर होता है वो उनके साथ वैसा क्यों करता है, इस तरीके की घटनाओं को अंजाम क्यों देता है, तो इसको भी हमको बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया गया है इस वेब सीरीज में। तो उस वजह से आपको मजा ही आ जाएगा, कहीं पर भी आपको बोरिंग फील तो नहीं होगा, भले ही कहानी उतनी ज़्यादा अलग नहीं या फिर इतनी ज़्यादा दमदार ना हो, लेकिन फिर भी ये वेब सीरीज आपका इंटरेस्ट बनाए रखेगी, आपको ये मज़ेदार जरूर लगेगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिन लोगों को सीरियल किलर वाली फिल्में, चाहे बॉलीवुड हो, हॉलीवुड की हो, या फिर इसके अलावा जिन लोगों को इस तरीके की थ्रिलर ड्रामा वाली फिल्में या फिर वेब सीरीज वगैरह देखना बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो मुझे लगता है कि ये जो वेब सीरीज है आपको जरूर पसंद आएगी। भले ही आपको थोड़ी सी हल्की जरूर लगे ये वेब सीरीज, लेकिन ये वेब सीरीज आपको निराश नहीं करेगी। और हाँ, कि ये जो वेब सीरीज है ये हिंदी और बांग्ला दोनों ही भाषाओं में अवेलेबल है, तो अगर आप चाहो तो हिंदी में भी देख सकते हो और अगर चाहो तो बांग्ला में भी इस वेब सीरीज को एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों जहां तक बात रही इस वेब सीरीज को रेटिंग देने की, तो मैं इस वेब सीरीज को रेटिंग दूंगा
7.4 आउट ऑफ 10 स्टार। बाकी अगर आपने इस वेब सीरीज को देखा है तो क्या सोचते हैं आप इस वेब सीरीज के बारे में, मुझे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई सवाल या सुझाव तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में फिर किसी ऐसे ही वेब सीरीज या फिर मूवी के रिव्यू के साथ में। जोहार।